बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं शायरिया लेके लॉकडाउन का नाम। हाँ दोस्त, अभी आप भी अपने घर पर है, मैं भी अपने घर पर हूँ, लगभग इस दुनिया के सारे लोग अपने अपने घर पर हैं, अपने अपने परिवार के और अपने देश की सुरक्षा के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान कुछ पंक्तियां लिखी जाए। तो पिछले 10-12 दिनों में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। अगर आप सबको भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गौर से सुनिएगा। हम सोचते थे ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हम सोचते थे ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, गलत सोचते थे। आज रुक गई है पूरी दुनिया, आज रुक गई है पूरी दुनिया खुद के लिए, हम इंसानों को इंसान बनाने के लिए। निचोड़ दिया हमने प्रकृति को, बिगाड़ दिया हमने संस्कृति को, पता नहीं हम कहां रुकेंगे, कुदरत के सामने कैसे झुकेंगे। मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा हमारा, मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा हमारा, पता नहीं ये बात हम कब समझेंगे। लेकिन देखो ऊपर वाला भी कितना दयावान है, हर दिन उगते सूरज के साथ हमें समझने का एक नया मौका देता है। तो चलो कम से कम अब तो समझ जाए, ताकि ये धरती की मिट्टी फिर से हीरे की तरह चमक जाए। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा, पर हमारे मन में एक डर छोड़कर जाएगा। इस डर को कभी मरने मत देना, प्रकृति को और तड़पने मत देना। वक्त है अभी भी समझ जाए, ईश्वर को हमारी शिकायत का एक और मौका मत देना। इंसान है हम तो संस्कृति को मॉडिफाई करके प्रकृति पर राज मत करो, प्रकृति का हिस्सा बनकर संस्कृति का सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत।